अगर आप दिन भर किसी को इंसल्ट करें या उसकी नेगेटिव क्वालिटीज की बात करें, उसको अप्रिशिएट ना करें, तो क्या वो आपके पास आएगा? बेकार हो, तुम्हारा होना ही बेकार है, तुम्हारी वजह से झगड़ा हो जाता है, तो क्या वो इंसान आपके पास आएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरीके से दिस इज वॉट यू डू टू मनी। जब आप देखते हैं कि किसी पैसे वाले इंसान के घर में झगड़ा हो गया, मतलब पैसा होता ही ऐसे है, जहां जाता है झगड़ा करा देता है, पैसे की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, रिश्तेदार ऐसे हो जाते हैं। इफ यू आर नॉट अप्रिशिएटिव अबाउट मनी, देन यू विल नेवर हैव इट। मनी इज नेवर गुड और बैड, इट इज जस्ट अ बूस्टर। जिस इंसान के पास पैसा होता है और वो कंजूस होता है, जब उसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो और कंजूस हो जाता है। पीपल हु हैव बिग हार्ट, व्हेन दे हैव मोर मनी देयर हार्ट एक्सपैंड्स। इट बेसिकली इज अ बूस्टर, इट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो नीचे होगा ना उसी को इलैबोरेट करके एक्सपैंड कर देगा। सो मनी इज नेवर बैड, इट इज वॉट यू होल्ड, इट जस्ट बूस्ट इट। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बी वेल्दी, देन स्टॉप सेइंग बैड थिंग्स अबाउट वेल्थ और connecting wealth and wealthy people together and talking negative about them, because if you are not appreciative about it, then trust me, you're never going to have it.